followers, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो, जहाँ हो हेल्दी हो, क्योंकि आजकल का जो इन्वायरमेंट चल रहा है, आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, उसमें ये सबसे बेहतरीन दुआ है कि आप जहाँ हो खुश हो और हेल्दी हो। तो नॉर्मली जनरल क्लीन हम करते हैं, रोज बरोज सफाई होती रहती है वैसे तो, और उसका मकसद ये है कि रोज बरोज सफाई होती रहती है, जैसे वैसे गंदा होता रहता है वैसे वैसे साफ होता रहता है, ऑफकोर्स जैसे हर घर में होता है। लेकिन आजकल काम भी बहुत ज्यादा है, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, शारिक भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, टाइम निकालते रहते हैं डीक्लटर करने का दो दो वीक्स के अंदर। तो एवरी टू वीक्स इतना सामान जमा हो जाता है कि उसको डीक्लटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। लाइक वंस इन फोर्टनाइट हमें करना पड़ता है। Exactly. पुराना सामान हटाना पड़ता है, कोई नया सामान हो तो उसे रखना पड़ता है। इससे होता ये है कि सब चीज ऑर्गेनाइज हो जाती है, सिस्टमैटिक हो जाती है, हमें ये पता चल जाता है सफाई करनी कहाँ है और कितनी करनी है। और सफाई से ज्यादा ना ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना पड़ता है, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन और सफाई दोनों मिलके दिखा रही हूँ। हम मिलके करने वाले हैं टीम वर्क। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रूम, दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। नॉर्मल डे है ये, एक रूटीन डे, सैटरडे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया है, और जो ये वीडियो आपको नज़र आ रही है इतनी जल्दी शुरू नहीं किया है हाँ अलबत्त जल्दी ज़रूर शुरू कर दिया, यानी कि फ़ौरन एक्शन ले लिया, और ये उससे एक दिन पहले इस वीडियो से जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है। ऑफकोर्स हम अभी इस होलिये में तो वीडियो नहीं बना सकते थे, तो लाइक ऑल अदर कपल्स हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं हम दोनों के दरमियान बहुत सारी छोटी छोटी बात पे, बड़ी बड़ी बातों पे, और लाइक ऑल अदर कपल्स हम भी गलतियां करते हैं मुस्तकिल। इस वीडियो में आपको नज़र आएगा कि हम गलतियां कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह मैंने नोट किया कि शारिक में माशाल्लाह बहुत स्टैमिना है, ये वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं, मेरे साथ भी काम कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दो या तीन दिन काम करती हूँ वीक में, बाकी दिन मेरी छुट्टी ही होती है। लेकिन शारिक माशाल्लाह वर्क फ्रॉम होम लगातार करते रहते हैं, फिर उसके बाद नीचे भी आके काम कर लेते हैं, ऊपर भी काम कर लेते हैं, कभी कभी मुझे भी नाश्ता बना के खिला देते हैं, पराठा वगैरह। मतलब ये है कि माशाल्लाह शारिक का स्टेमिना बहुत अच्छा है, और जब हम काम करें तो बड़ी ज़बरदस्त और मूसलाधार बारिश हो रही है बाहर, और बल्कि थोड़ी सुबह में तो ओले भी पड़ रहे थे। तो हमारा बेड अब रेडी हो गया है, और अब रोशान के बेड की बारी है, तो सबसे पहले हम अपने बेडरूम में यही काम करते हैं, बेड शीट्स का काम करते हैं, बेड शीट्स चेंज करते हैं वीकली, हम वीकली भी चेंज करते हैं अगर ज़्यादा गंदी हो जाती हैं जल्दी जल्दी, वरना टू वीक्स में एक दफ़ा हम डेफ़िनेटली क्लीन करते हैं। तो मैंने बताया ना आपको कि सुबह से बारिश हो रही थी, तो ये डबल रेनबो भी बन रही थी। अच्छा, रोशान का बिस्तर हम लोगों ने अपने साथ ही लगाया हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने रोशान को दूसरे कमरे में शिफ्ट नहीं किया है, और वो इसलिए नहीं किया है, मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ शायद, कि शारिक और मैं दोनों ही इस बात से मुत्तफिक करते हैं कि मतलब थोड़ा सा दूर है रूम, अगर सामने आमने होता तो शायद आसानी रहती रोशान को शिफ्ट करने में। और मैंने आपको कहा ना कि ये टीम वर्क है, तो माशाल्लाह रोशान हमारी हेल्प कर रहे हैं, और रोशान का बहुत दिल चाहता है साथ काम करवाने का, और मैं छोटे छोटे से रोशान से काम करवाती भी हूँ, और रोशान को सिखाती भी हूँ कि सफाई कैसे करनी है, और रोशान खुशी खुशी हमारे साथ काम करते हैं। मॉडर्न क्लीनिंग मशीन, सबसे पहले हमारा आता है वैक्यूम क्लीनर, तो ये हमने जनाब बिल्कुल नया खरीदा है, इससे पहले हम ये वाला इस्तेमाल करते ही रखा हुआ भाई, ये हमने लिया था के मार्ट से, अपने लोकल जो है एक रिटेलर से, ठीक है भाई, तो ये हमने लिया था तकरीबन $69 का, ठीक है। अब हम मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा, जो कि हमने बिल्कुल अभी पिछले हफ्ते खरीदा, और ये है तकरीबन $450 का, बल्कि इससे भी ज़्यादा का, आई थिंक कहीं पर तो ये इससे भी ज़्यादा का लगा हुआ है, मैंने ये लिया है catch.com.au से, ठीक है। तो जनाब आज मैं इसकी इनॉग्रेशन कर रही हूँ, उसको खोल के देख रही हूँ, इसके अंदर दो फंक्शंस हैं एक साथ, ये क्या करता है, वैक्यूम भी करता है और जो है वो फ्लोर मॉप भी एक साथ करता है। देखिए इस पे बनी हुई है तस्वीरें, फ्लोर मॉप कैसे करता है और वैक्यूम कैसे करता है, वैक्यूम ड्राई वैक्यूमिंग भी करता है, और वॉश के अंदर इसके अंदर दो सेक्शन लगे होते हैं, साफ पानी का और गंदे पानी का, साफ पानी जो है वो थ्रो करता रहता है ज़मीन पे और गंदा पानी सक करता रहता है। एनीवेज मैं खोल के देख रही हूँ फर्स्ट टाइम, बड़े रिव्यूज़ मैंने इसके पढ़े। अच्छा, ये लिखा हुआ तो है कि पैड्स के लिए है ये, लेकिन इसका मतलब ये है कि इतनी हैवी मशीन है कि अगर किसी के पैड्स भी हो ना
तब भी जो है वो उनके बालों को भी ये जमीन से जो है या फिर कारपेट से निकाल लेगा। प्लस ये मल्टी सर्फेस है, कारपेट पे भी काम करेगा, फर्श पे भी काम करेगा, ये देखें तमाम, ये तमाम जगहों पे काम करेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूरे घर में हर वक्त कोट पहनी हुई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है आजकल। जब मैं नीचे आई तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने तब भी कोट पहना हुआ है। एनीवेज़, साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा और अच्छी मिल जाती है और चीपर होती है। लेकिन दूसरे ममालिक में, जैसे कि USA है, UK है, कनाडा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, इन मुल्कों में जो है काफ़ी खासी महंगी होती है ये जो हाउस हेल्प होती है। दूसरी बात क्या है कि इसीलिए लोग इन मुल्कों में मशीनें ले लेते हैं, और महंगी होती हैं ये मशीनें, लेकिन क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं नंबर 1, और नंबर 2 वो ये समझते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा बेहतर ये है कि हम थोड़े पैसे जमा करके अच्छी मशीन ले लें जो हमारे मुस्तकिल काम आती है। स्टार्ट करते हैं मशीन को तो दिखाते हैं अभी। तो अब रोशान का बेड भी रेडी हो गया है, और मैं साइड्स वगैरह, साइड टेबल्स होती हैं और जो ऊपर ऊपर की चीज़ें होती हैं वो क्लीन करूँगी वाइप से, और मैं वाइप ही यूज़ करती हूँ हमेशा क्लीनिंग के लिए। देखें बाहर नज़र नहीं आ रही कि मिट्टी है, मगर मिट्टी हो जाती है, 2 वीक्स में एक दफ़ा तो मिट्टी हो ही जाती है। Wipes from Kohl's, they are very cheap. ये बहुत cheap रहते हैं और reasonable होते हैं price में, और antibacterial भी हैं, smells very nice as well. खुशबू भी बहुत अच्छी है इनकी। देवियों और सज्जनों, बकौल शाहरुख के तो अब हम ये start करने जा रहे हैं finally. जो वाटर का सिस्टम है ना वो ये है कि यहाँ पर जो ट्रिगर दिया हुआ है ना, इसमें पानी भरता है, एक सॉल्यूशन होता है वो डलता है, और जो गंदा पानी है ना वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कलेक्ट हो रहा है, ये देखें गंदा पानी। तो एनीवेज, तो ये साफ पानी, इसके अंदर सॉल्यूशन है, और अगर आपको सिर्फ हूवर करना है तो ये 2 बटन है, फोकस नहीं हो रहा, हाँ ये 2 बटन है, एक रग के लिए है यानी एरिया रग, यानी कारपेट वगैरह पर, जैसे कि ये है एरिया रग, तो ये वाला, और ये हार्ड फ्लोर के लिए है जैसे कि वुडन फ्लोर वगैरह होता है तो उसके लिए। ठीक है, ये दोनों सिर्फ हूवर करते हैं, सिर्फ वैक्यूम करते हैं, और जो ये है ये जो है इसके अंदर पानी से ट्रिगर करता रहेगा, पानी थोड़ा सा छोड़ता रहेगा साफ पानी, और गंदा पानी जो है इस टैंक में जमा करता रहेगा। इट डजंट मीन कि भाई गंदा पानी ही बार बार से वैक्यूम हुआ जा रहा है, तो पता नहीं फोकस का मसला हो रहा है, हाँ तो ऐसा नहीं है कि गंदे पानी से वैक्यूम करेगा, बल्कि ये साफ पानी, उस पानी से वैक्यूम करके गंदे पानी को इस टैंक में भर देगा। चलें भाई शुरू कर लें। जी इस टैंक में गंदा पानी भरता है, एंड दिस इज द रियलिटी। अभी अभी हमने ये सब कुछ बिछाया और ये आ गए उछलने कूदने के ऊपर बिस्तर पे, है ना, ये उठाना, ये उठाता है। अच्छा, तो ये इस तरह से साफ पानी से वैक्यूम करता जाता है, पोछा लगाता जाता है, जिसको कहते हैं ना पोछा लगाना, ये वो करता जाता है, साफ पानी फेंकता रहेगा सॉल्यूशन वाला, और वैक्यूम से उसी पानी को सक भी करता रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है जो एरिया होता है जहाँ से आप इसको लगाएं। एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम जिसमें अब सफाई करनी है, शारिक का रूम है ये, आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ लैपटॉप्स ये है, टड़ंग टड़ंग टड़ंग, ऑफिस रूम है ये, यहाँ पर बैठ के मैं भी काम करती हूँ, तो यस अभी। और यहाँ पर क्योंकि मैंने कभी रग नहीं लिया था बिछाने के लिए, तो मैंने रग मंगवाया है, और ये रग मैं यहाँ बिछा रही हूँ, सो लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। सो जनरली शारिक इस कमरे की क्लीनिंग करते हैं, और शारिक इस कमरे को नहायत साफ और ऑर्गेनाइज रखते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से रखते हैं इस कमरे को। इस कमरे में मुझे बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं है तब्दीली करने की, इसलिए मैं कुछ नहीं रख सकती, कुछ नहीं हटा सकती अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, प्लस ये बात है कि शारिक के कमरे का सामान है ना ये, तो उनको ये कबाड़ा नहीं लगता, लेकिन मुझे जब भी मैं एंटर होती हूँ कमरे में, मुझे बहुत सारा सामान ऐसा लगता है कि अननेसेसरी रखा हुआ है, और मैं मुस्तकिल बोलती भी रहती हूँ शारिक से, लेकिन जब वो नहीं सुनते हैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही डीक्लटर कर दूँगी। तो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मुस्तकिल बताती जा रही हूँ, तो ये प्रोडक्ट भी जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ, रोशन की वजह से और हेल्थ की वजह से भी, क्योंकि कहते हैं कि केमिकल वाले स्प्रेज नहीं यूज़ करने चाहिए क्लीनिंग में।
तो ये एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनिक स्प्रे है जो मैंने किसी से कोलैबोरेशन की थी जब मेरे पास आया था, लेकिन फिर उसके बाद जब मुझे पसंद आया तो मैं फिर मुस्तकिल इसको यूज़ करने लगी। इसका नाम अभी फ़िलहाल मुझे नहीं याद आ रहा। और मैं रग्स इस रूम में और हर रूम में इसलिए बिछाती हूँ कि इससे कोजी सी होमली फीलिंग आती है मुझे, क्योंकि कारपेट्स तो हर घर में बिछे हुए होते हैं, अक्सर वो गंदे भी होते हैं। ऑफकोर्स आप चाहे वो उनको जितना भी स्टीम क्लीन करवा लें, आप चाहे उनको जितना भी साफ़ कर लें, वो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल में होते हैं इसलिए वो गंदे हो जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये एरिया रग्स जो होते हैं ना, ये एक बड़ा कम्फी और कोजी सा माहौल बना देते हैं। तो ऑफिस से जो है ना बेडरूम तक का जो है ना ये एरिया है, छोटा सा एक हॉलवे कह सकते हैं इसको। तो इसका हाल देख लें आप कि सारा बाहर से जो अंदर से जो सामान आता जा रहा है वो बाहर रखा जाता जा रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे का घर है, ये ऊपर है फर्स्ट फ्लोर और बाकी नीचे ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पर जाके अब ये सामान ग्राउंड फ्लोर पर जाएगा जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये कचरा है और ये जो है लाउंड्री है। लेकिन हॉलवे से पहले टॉयलेट की बारी है, बाथरूम टॉयलेट की, और ये है बाथरूम का हुलिया अभी फ़िलहाल। So this is our first bathroom. We have three bathrooms in the home. तीन bathrooms हैं हमारे घर में। तो चलें फिर शुरू कर रही हूँ मैं काम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि घर में तीन बाथरूम्स हैं, तो हमें तमाम सप्लाईज़ ऊपर भी रखनी पड़ती हैं, नीचे भी रखनी पड़ती हैं, यानी कि जो हैंड वॉश होता है या टिशू पेपर्स होते हैं या टॉयलेट रोल्स होते हैं वो हमें ऊपर भी रखने पड़ते हैं और नीचे भी रखने पड़ते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ऑफकोर्स। और जब मैं ये टॉयलेट साफ़ कर रही हूँ, जब शारिक जो है हॉलवे जब तक साफ़ करें, एंड शारिक इज़ माशाल्लाह रियली हेल्पफुल हस्बैंड, आई मस्ट सी दैट। I always use these tablets for my toilet flush. They are really nice. ये ब्लीच होता है, इनसे जो है वो टॉयलेट का जो फ्लश है वो क्लीन रहता है बिल्कुल, कमोड जो होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये मैं वीकली चेंज कर देती हूँ। इसी तरह ये जो है ना ये डिसॉल्वेबल होता है, ये जो है ना ये डिसॉल्वेबल होता है, इसको मैं इसी तरह टैंक के अंदर डाल दूँगी। मैं दिखाती हूँ किस। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट। एंड जब भी आप फ्लश करेंगे आफ्टर 5-10 मिनट्स ये एक्टिवेट हो जाएगा इसके अंदर, और जब भी फ्लश करेंगे तो ब्लू वाटर आएगा। अच्छा जनाब, अब आ गए बाथरूम के एरिया का जो ग्लास होता है उसकी बारी। और आपने देखा होगा कि मैं एक स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और किचन टॉवल यूज़ कर रही हूँ उसके साथ। दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज आई एवर फाउंड। मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है स्प्रे करके और किचन टॉवल से जो है वो क्लीन करने का। दिस इज़ अवर टॉयलेट, सेकेंड टॉयलेट, दूसरा बाथरूम और टॉयलेट है ये, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्लीन रहता है। ये सब कुछ मैंने अभी वाइप किया है, एवरीथिंग मैं वाइप करके गई। और ये जो है ना फ्लोर शारिक कर देंगे, क्योंकि फ्लोर अभी गंदा है तो फ्लोर जो है वो शारिक कर देंगे। तो ये आसानी हो गई है इससे कि इससे ही हूवर हो रहा है, वैक्यूम लग रहा है, इसी से पोछा भी लग रहा है। मैं दिखा देती हूँ। तो कितनी ज़्यादा आसानी हो गई है हमें इस वैक्यूम क्लीनर से कि पोछा भी लगा रहा है, साथ साथ मॉप भी करता जा रहा है और वैक्यूम भी करता जा रहा है। तो बहुत आसानी लग रही है मुझे तो फ़िलहाल। और दोनों टॉयलेट्स और बाथरूम जो हैं आप स्टेयर्स वाले क्लीन हो गए, जबकि हम सेकंड वाला बाथरूम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द थर्ड रूम एंड दिस इज़ आर स्टोर रूम, बेसिकली वी यूज़ इट फॉर स्टोर, यानी कि इसमें सब कुछ हमने घुसेड़ दिया है, जो चीज़ें बेचनी है वो भी रख दी। अब ये जो है वो ये रोशन का पुराना कॉट है, इसको हमें पता ही नहीं कि कहाँ रखना चाहिए, ये भी खोल के रख दिया क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये बिक भी नहीं रहा और ये फेंक भी नहीं रहा। फिर उसके बाद रोशन के इसका मैट्रेस रखा हुआ है, फिर उसके बाद हमारा पुराना मैट्रेस रखा हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बिल्कुल नया है, लेकिन क्योंकि हमें कोलैबोरेशन में एक ज़बरदस्त सा नया मैट्रेस मिल गया था तो हम वो इस्तेमाल करें। और ये सारे मेरे न्यू शूज़ हैं जो कि अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, जिनको मुझे अंदर रखना है, लेकिन अंदर ऑलरेडी ये देखें जगह नहीं है, ये देखिए ऑलरेडी भरा पड़ा है अंदर से, जूते रखे हुए ढेरों। तो इसीलिए इन सब का ये कंडीशन है कि ये इस तरह से रखे हुए हैं। और ये है लाइट रूम जो हम वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी वो है जो ऐसा होता है ना कि सामान आया है तो वो खुल के यहीं रखा हुआ है, ये लाउंड्री है, ये तो अभी तय हो जाएगी। तो इस तरह से ये फैलावा हमें समेटना है। तो अच्छा, इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये थर्ड रूम बस सिर्फ और सिर्फ कबाड़ा रखने के लिए इस्तेमाल होता है।
अब इस रूम का चक्कर ये है कि इस रूम में जो भी सामान रखा हुआ है ना, हम उसको कहीं रख नहीं सकते, क्योंकि हमने तीन ही बेडरूम थ्री बेडरूम का हाउस लिया हुआ है, स्टोर इस घर में है नहीं। और हम दोनों मियाँ बीवी क्लटर बर्दाश्त नहीं करते घर में, यानी कि अगर हमें ऐसा लगता है ये कबाड़ा है तो हम फेंक देते हैं। अब इसमें से बहुत सी चीज़ें हमें फेंकनी भी हैं और कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नई हैं, जैसे हमें कोलैबोरेशन वगैरह में मिलती हैं, उनका हमें समझ नहीं आता है कि क्या करें। समटाइम्स हम उन्हें गिव अवे कर देते हैं और समटाइम्स हम उन्हें जो है वो बेच देते हैं, ठीक है। दैट्स द प्रोसीजर, दैट्स टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मैंने सोचा मैं आप लोगों को टाइम लैप्स दिखाऊं ताकि आपको पता चले इस कमरे में कितना ज़्यादा कबाड़ा था और हमें इस कमरे में कम से कम अकेला इसी कमरे में कम से कम 40 मिनट्स लग गए थे। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं कि हमें जो सामान फेंकना है वो मैंने फेंका क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह नहीं है कि आप बाहर निकाल के डाल दें या कचरे में फेंक दें, ऐसे नहीं होता है। बल्कि अगर आपको कोई चीज़ फेंकनी है तो उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है काउंसिल को, वो आके सामान उठा लेती है, या तो समटाइम्स आपको पे करना पड़ता है या समटाइम्स फाइनल कंडीशन। हमने क्या किया है कि हर चीज़ को तरतीब से रख दिया है, क्योंकि इट विल स्टे स्टोर, ये इट विल रिमेन स्टोर, आई मीन स्टोर ही रहेगा ये, इसीलिए हमने बस मैनेज कर दिया इसको, चीज़ें तमीज़ से रख दी हैं, लेकिन सामान क्योंकि हम कहीं नहीं रख सकते तो ये कमरा रिमेन्स दी स्टोर। सो वी हैव कम डाउनस्टेयर्स। डाउनस्टेयर में किचन हमारा बिल्कुल तकरीबन साफ है, बर्तन भरे हुए हैं, जो नाश्ता और खाने के बर्तन थे वो रखे हुए हैं, वो धुल जाएंगे क्योंकि डिश वॉशर में ऑलरेडी धुले हुए बर्तन रखे। जब डिश वॉशर खाली करेंगे तो फिर और डिश लोड कर देंगे बर्तन। किचन क्लीन है, लुक एट दैट। और ये एरिया जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये एरिया कितनी दफ़ा साफ़ होता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं बर्तन धोते हैं, खाना खाते हैं बर्तन धोते, दिस इज़ द रूटीन नाउ डेज। और ये वाला एरिया आपके सामने, तो या मैं वाइप करती जाऊँगी सारी चीज़ें साफ़ करती जाऊँगी ऊपर ऊपर की, और शारिक जो है वो हुवर करते जाएंगे। और छोटू हमारा हमारी हेल्प करता है, राशु इट्स अ टीम वर्क है ना राशान, यू लाइक टीम वर्क, चलें करके दिखाइए, वाइप करके दिखाइए, हाउ डू यू वाइप। मैंने रोशान की चेयर वाइप करना सिखा दी है, चलिए वाइप करके दिखाइए। गुड जॉब रोशान। अच्छा तो चले जी, कहने को तो ये एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर डाइनिंग एरिया है और सिटिंग एरिया है, लेकिन इस सिटिंग और डाइनिंग एरिया के दरमियान जो फैलावा होता है और वक्त बवक जो है वो हम सामान फैलाते हैं, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स है, क्योंकि जो असली जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना उनका तो मैं ख्याल रख ही नहीं सकती क्योंकि वो इतनी जल्दी मुरझा जाते हैं। लेकिन ये भी आप प्लांट देख रहे हैं, ये जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, इनको मैं साफ करती रहती हूँ बट स्टिल ये जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। अच्छा, अभी हमने फिगर आउट किया कि जो इसका रोलर है ना वो तब्दील होगा, क्योंकि वो मल्टी सरफेस रोलर इस्तेमाल करना है। तो आई डोंट वॉन्ट यू टू फील डिस्गस्टेड बट लुक एट द कंडीशन। जबकि ये वो फ्लोर है या ये वो घर है जिसको जो है हम बगैर हुवर के नहीं छोड़ते, और जो फ्लोर है ना वो भी हम सैनिटाइज करते हैं इवन देन। तो ये है सिचुएशन इवन देन, और ये है हुवर जिसके अंदर ये देखें बाल फंस गए, नज़र आ रहे हैं करीब से, ये देखें बाल फंस गए। तो अब मैं निकालूंगी इसको और क्लीन करूंगी, दिस इज़ द सिचुएशन। और इसकी क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी है, अगर इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे ना तो बस फिर ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। देखें, आप मॉडर्न मशीनें ज़रूर यूज़ करते हैं लेकिन इन सब मशीनों की भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इनकी सफाई भी करनी पड़ती है, अगर इस तरह नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी ये मशीनें ख़राब हो जाती हैं। ओके, तो ये है गंदे पानी का टैंक जो इसमें से निकला है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। चलें जनाब, इसकी सफाई करनी है मुझे, तो मैं धो के ले आई हूँ इसको। बिफोर यू जज मी या जज अस, मैं आपको बता दूँ ये मशीन इसकी वजह से इतना गंदगी जो है वो निकली है, आई थिंक सो, क्योंकि हम हुवर ही करते हैं। ये रखा हुआ हमारा हुवर जो कि हमने Kmart से लिया था और बताया था भाई $60 या $70 तक का लिया था, और उसके बाद अब हमने अपग्रेड किया तो वो लिया $450 वाला। तो आई थिंक इसकी मशीन और इसकी मशीन में काफ़ी फ़र्क है, ये मशीन काफ़ी पावरफुल है जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा गंद जो है वो कारपेट से और हार्ड फ्लोर से निकाला है।
तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपना आम मॉप का लगाने का तरीका दिखा दूं, जिस तरह मैं नॉर्मल मॉप लगाती थी अपने घर में, और अभी भी मैं बाथरूम टॉयलेट में नीचे वाले लगा दूंगी जल्दी के लिए। तो ये जो है ना वो फ्लोर वाइप्स हैं, ये मैंने कोल से लिए थे, इनका पूरा सिस्टम मिलता है। और ये फ्लोर वाइप्स एंटीबैक्टीरियल होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं और साफ भी बहुत अच्छा करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका सिस्टम जो इसके साथ आया है। ये जनाब आया है इसके साथ, और लगाने का तरीका इसका बहुत आसान है। वाइप को लेकर और इसके अंदर चारों तरफ जो है ना नीचे होल्स होते हैं, तो उसमें वाइप जो है वो चला जाता है, और जब ये इसको वाइप कर दें आप तो इसको तब्दील कर दें, इसको फेंक दें। तो भाई कोरोना के दिनों में तो जो है ना ये मुझे एक नेमत की तरह महसूस होता था। और ये जो है ना सिस्टम पूरा जो फ्लोर मॉप का सिस्टम है, ये मैं तकरीबन जो है वो 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इससे, फ्लोर वाइप बार बार ख़रीदने पड़ते हैं, बट आई डोंट माइंड, क्योंकि हम इतना गंदा करते ही नहीं है ना फ्लोर को, कोशिश करते हैं इतना ज़्यादा गंदा ना हो कि फ्लोर वाइप से ना लग सके। या फिर हम नॉर्मल मॉप लगा देते हैं, वो भी इसी तरह का है हैंडल मॉप, फिर उसके बाद हम एंटी बैक्टीरियल वाइप फ्लोर वाइप्स जो है वो कर देते हैं, तो उससे जो है वो घर साफ़ सुथरा और डिसइंफेक्ट रहता है। और देखें बाहर कितना भी साफ़ लग रहा था घर, लेकिन गंदगी है घर के अंदर और हो जाती है, जबकि मैं जूता चप्पल बाहर का बाहर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और घर का घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये पाबंदी है कि घर के जूते हम बाहर नहीं ले जा सकते और बाहर के हम घर के अंदर नहीं रख सकते, यानी अगर रखना है घर के अंदर तो फ़ौरन डब्बे में रखो। तो कुछ मैंने हाउस रूल्स बनाए हुए हैं, उन हाउस रूल्स पर हम सब अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, टूट भी जाते हैं वो रूल्स समटाइम्स, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं उन हाउस रूल्स पर अमल करें। अच्छा जनाब, तो ये टेबल क्लॉथ मैंने न्यू लिया था, मैं ऐसा करती रहती हूँ अक्सर इस टेबल की के रंग को तब्दील करने के लिए, क्योंकि ये रंग जो है ना हमें पसंद नहीं है, हम बहुत अरसे से इसको कोशिश कर रहे हैं तब्दील करने की, लेकिन अभी कोरोना है, दोबारा मैं यही कहूँगी तो अभी ये कोरोना वाली सिचुएशन ज़रा ओवर हो जाए, लॉकडाउन सिचुएशन, तो फिर हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि इस टेबल को तब्दील कर दें। और ये जो है ना आजकल स्प्रिंग वाइप चल रहा है ज़रा ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया से अलग मौसम होता है हमारा, यहाँ पर स्प्रिंग आ गया है तो पूरी दुनिया में ऑटम आ गया है, तो इसीलिए ये स्प्रिंग वाली चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत हरी हरी ग्रीन। अच्छा तो वो हाउस रूल्स कुछ मैं आपको बता दूं, एक तो बाहर के जूते अंदर वाला मैंने आपको बता दिया कि हम नहीं लाते हैं, कोशिश करते हैं। एक हमने बनाया कि भाई डाइनिंग का एरिया जो है ना बस उसी में बैठ के खाना खाना है, कहीं और बैठ के खाना नहीं खाना है, ना ही जो है वो बेडरूम में बैठ के खाना खाना है और ना सिटिंग एरिया में बैठ के खाना खाना है। अलबत्ता स्नैकिंग के लिए ये रूल नहीं है, स्नैकिंग हम कहीं भी कर लेते हैं। और जब तक हम सफाइयों में लगे हुए थे मैंने क्या किया था कि मेरे पास एक इंस्टेंट पॉट है, इलेक्ट्रिक पॉट है, मल्टी कुकर, उसके अंदर फटाफट खाना बन जाता है, तो मैंने उसमें चढ़ा दिया था खाना, और जब तक हम लोग सफाई कर रहे थे, तो जैसे ही हम सफाई करके फारिग हुए खाना रेडी हो गया है, निहारी बनाई है मैंने शानदार सी, और रोटी जो है वो शारिक ने बनाई है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Please don't forget to give me a thumbs up, subscribe my YouTube channel and join my Instagram, aur I hope ki aapko ye video bahut bahut pasand aayi hogi. Allah Hafiz.